guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you, my all YouTube family? I hope you guys are doing well and fine. And welcome back to my channel. This is me, Sadia. If you're new here, so welcome to my channel. And if you're returning subscribers, so welcome back to my channel. So आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ क्रिएट करने लगी हूँ ग्रे एंड ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक, जो कि सिल्वर भी मैंने इसके अंदर एड किया हुआ है. एंड ये जो है वीडियो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि इसके ऊपर एक बनाऊं इस आई शेडो के ऊपर, एंड टाइम नहीं मुझे मिल रहा था. तो आज जो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूं. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. एंड यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आईब्रोज बनाने लगी हूँ, और आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ फिजिशियन फॉर्मूला का ये वाला आईब्रो का पेंसिल है, जो कि मैंने अभी ये न्यू बाय की है और अभी तक मैंने जो है इसको यूज नहीं किया है. ये कैसा है आपके सामने ही मैं इस बॉक्स को जो है ना इसके ओपन कर रही हूँ. तो कर दिया है ओपन और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है इस तरह से, यानी कि ये जो है आईब्रोज का बनाने का है. एंड प्लस ये जो है इसका आईलाइनर है. तो ये जो है ये है इसका आईलाइनर. एंड यहाँ पे जो है मेरे पास इसकी ये आईब्रोज का है. एंड यहाँ पे जो है सबसे पहले आप ये देखें, मैंने इसको ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से है. एंड आई डोंट नो सीरियसली कि हाउ इट वर्क, सो मैं आपके सामने जो है इसको ट्राई करती हूँ कि ये किस तरह से वर्क होता है. ये आईब्रोज सबसे पहले सेट कर लूंगी, और आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज बहुत बुशी बुशी हुई हैं, यानी कि मैंने अभी तक जो है ना आईब्रोज को अपने बनाया नहीं है. सो यहाँ पे जो है ये फिल कर देना है इस तरह से. एंड एज यू कैन सी हियर इट्स वर्क रियली वेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है इसको सेट. और अब जो है मैं आ जाती हूँ अपनी आई मेकअप की तरफ. सबसे पहले जो है हमने बिठानी है हमारे यहाँ पे फाउंडेशन की बेस, यानी कि आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो या कंसीलर ले सकते हो. मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर. कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे कवर गर्ल का ये वाला कंसीलर, जो कि है नंबर, ये थोड़ा सा मीडियम और थोड़ा सा लाइक पिंकी पिंकी कलर टाइप का है. सो इसको लेके हमने अपनी आईलिड एरिया पे अप्लाई करना है, और एक हमने जो नीट सी जो है ना लुक क्रिएट करनी है. अंडर आई एरिया के ऊपर भी हमने इसको करना है यहाँ पे इस साइड को, क्योंकि जो हमारा आई मेकअप है ना वो सही से सेट हो जाए. ये देखें यहाँ तक जो है ना हमने इसको अप्लाई करना है. और ब्लेंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि क्लीन कलर का है. और इसके बारे में मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ कि ये किस तरह का ब्रश है. मेरा मोस्ट फेवरेट ये ब्रश है, चीप ब्रश है ये. एंड इसको लेके हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से. ये जो कंसीलर है ना मेरी स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच करता हुआ नहीं है, पिंकी पिंकी सा है ये. एशियन स्किन टोन के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है. यानी कि अगर आप पाकिस्तान वगैरह में हो तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप मेकअप कर रहे हो या कुछ इस तरह का होता है, तो वहां पे थोड़ा सा पिंकी कलर का जो लुक होता है ना वो जरूर वो इंक्लूड करते हैं अपने मेकअप के उसमें. तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह का. अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकती हो. एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये सेटिंग पाउडर, जो कि है रिमल लंदन का ये सेटिंग है पाउडर. और ये मैं इसको लूंगी, थोड़ा सा मैंने लिया है, हमने इसको सेट कर देना है अच्छे से. एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला ब्लैक आई लाइनर फिजिशियन फार्मूला का ही, और इसको हमने ओपन करना है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसके ऊपर आया हुआ है ये ब्लैक कलर का. सो मैं यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, इसको इस तरह से लेके जाना है. लाइट हैंड से आप देख सकते हैं काफी ब्लैक जेट ये आई लाइनर है. बस इतना हल्का सा हमने ये करना है, दैट्स इट. ये काफी ज्यादा वहां पे हो गया, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना हल्का सा हमने ये करना है. ठीक है, ये हो गया है. अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसको करना है ब्लेंड. लेकिन उसके लिए जो है मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वाला कलर, जो कि मैंने ये लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का. मैं यूज कर रही हूँ पैलेट, जो कि है इस तरह से, और ये मिडनाइट यूनिकॉर्न पैलेट नेम है इसका. आप देख सकते हैं इसके शेड कितने खूबसूरत कलर्स हैं. और इसमें से जो है मैं लूंगी दिस कलर. एंड यहाँ पे जो ले रही हूँ मैं ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि है लक्सी का नंबर है इसका 223. और यहाँ पे मैंने ये कलर लिया है, जो
बताया था इसको लेके हमने टैप करना है और अप्लाई करना है हमने अपनी क्रीज लाइन पे इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हमने कर दिया है इसको ब्लेंड अच्छे से। और अब जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो कलर वो है ये वाला ब्लैक कलर, ठीक है दिस वन। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेफ्यूरा का ये वाला ब्रश जो के है पेंसिल ब्रश, नंबर है इसका M507। और ये ब्लैक कलर लेके हमने इसको लिटिल बिट लाइक ज़्यादा नहीं हमने करना है यहाँ पे जो है इसको लेके, मैंने थोड़ा सा अप्लाई करना लाइक लिटिल बट नॉट दैट मच, थोड़ा सा हमें बस कॉर्नर के साइड को करना है इस तरह से। लेके हमने आउटर कॉर्नर पे स्लोली स्लोली जो है ना लाइट हैंड से करना है अप्लाई, ज़्यादा आपने नहीं करना है, जस्ट लिटिल बट। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से बस हमने इसी साइड को बस इतना हमने लेकर आना है। और इसी पैलेट से जो है ना मैं लूंगी ये वाला ग्रे कलर एंड इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने हमने अप्लाई करना है अपनी आईज पे। ये देखिए मैंने कर दिया है इसको अप्लाई, बहुत इजी आई मेकअप लुक है। सेम मैं इसी पैलेट से लूंगी ये सिल्वर कलर का शेड एंड इसको भी हमने फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई करना है इस साइड को, यानी कि इनर कॉर्नर की साइड के ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक है। और यही जो है ना शेड मैंने लेके फिंगर टिप्स की हेल्प से ना लोअर लैशेज की साइड को भी लगा दी है, ठीक है। अगेन हमने ग्रे शेड लिया है और दोबारा से इसको हमने मिक्स किया है अच्छे से। और अब जहां पे जो है ना बारी आ जाती है हमारी ब्लेंडिंग की, कि हमने इसको अब ब्लेंड करना है। कलर ले रही हूँ यानी कि ये वाला कलर ले रही हूँ पिंक कलर का, और इसको हमने क्रीज लाइन पे हमने ले जा के इस तरह से करना है सेट। मोर्फे का सेम ब्रश ले रही हूँ 507 और अगेन ब्लैक शेड ले रही हूँ जो हमने पहले अप्लाई किया था। इन दोनों को हमने ग्रे को और जो ब्लैक शेड है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बीएच कॉस्मेटिक्स का ये वाला फ्लैट ब्रश और इसका नंबर है 112 नंबर है। सेम सिल्वर कलर लूंगी और मैं इसको लेके ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी। सो यहाँ पे जो है ये मैंने कर दिया है सेट और सेम सिल्वर कलर लूंगी जो मैंने अपने इनर कॉर्नर की साइड को अप्लाई किया है एंड इसको लेके हमने ब्रो बोन के एरिया पे हमने अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो यहाँ पे जो है ये हो चुका है ब्लेंड अच्छे से। और अब मैं जो हूँ आईलाइनर लगा, सो आईलाइनर के लिए ले रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का ही आईलाइनर जो कि बहुत ही जबरदस्त आईलाइनर है। इसको लेके मैंने अप्लाई करना है अपनी आईज पे। एंड यही मैं आईलाइनर लेके अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड मैं जो हूँ अब इसको ब्लेंड करूंगी। अगेन ले रही हूँ मोर्फे का ब्रश जो है M507 और कलर लूंगी मैं यहाँ पे जो है सिल्वर कलर का ही लूंगी। तो
यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको अच्छे से ब्लेंड, और मैं जो हूँ आईलैशेस लगा के तो वेलकम बैक गाइस, एंड आप देख सकती हैं ये रही मेरी फाइनल लुक जो कि मैंने ये क्रिएट की है। सॉरी मेरी जो थोड़ी सी वीडियोस है ना आगे पीछे हो जाती है, यानी कि जब मैं सिंगल आई का मेकअप करती हूँ ना तो आगे पीछे हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ कि किस तरह से सही से आपको सब नज़र आए। So yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so please give me a big thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my video. Main milti hu aap se apni next video pe. Till then, Allah Hafiz. Bahut sa khayal rakhiyega, dua mein yaad rakhiyega, and please do like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.